हेलो गाइस, रेलवे के लिए आई है एक बहुत अच्छी खबर जिसके वजह से छोटे छोटे स्टॉक में, मतलब जो छोटे छोटे अराउंड 20 रुपीज़ वाले स्टॉक में आपको काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट बंद होने के बाद यहाँ पर आपको 7.67% की तेज़ी देखी जा रही है, लेकिन अगर यहाँ पर रियलिटी में देखें तो 10% की तेज़ी आज के डेट में देखी जा रही थी। और यहाँ पर चार्ट में देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर आपको जंप देखने को मिला, उस तरीके से आप समझ सकते हैं कि मतलब कितनी अच्छी खबर थी। और ये कौन सा स्टॉक है आपको तो पता होगा, रेल विकास निगम लिमिटेड। और उसके बाद एक और स्टॉक था जिसमें और भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। यहाँ पर देख लीजिए, अभी जो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है लगभग 10% के अपर सर्किट बताया जा रहा है। इसके देखिए, इसके चार्ट में भी डायरेक्ट मतलब अपर सर्किट, मतलब बहुत अच्छी खबर आई है। उसके बाद अगर हम देख लेते हैं IRCTC का, तो IRCTC में तेजी है लेकिन यहाँ पर लगभग जो है 3 या 4% की तेजी देखी जा रही है आज के डेट में। अब देखिए, इतनी बड़ी खबर इसको क्यों माना जा रहा है, क्योंकि बहुत एक बार पहले न्यूज़ आया था कि रेलवे को लेने वाले बहुत सारे लोग हैं जो आगे आ रहे थे, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने खुद बोला है कि भाई हम तुमको इनवाइट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट ने बताया बिग रिफॉर्म, मतलब बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला। न्यूज़ पहले देख लेते हैं, मनी कंट्रोल के वेबसाइट में लगभग 3 घंटे पहले आया है और मैंने ये न्यूज़ जो है मैंने आपको मॉर्निंग में भी बताया था, ठीक है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि रेलवे इनवाइट प्रपोजल फ्रॉम, यहां देख सकते हैं, प्राइवेट कंपनीज टू रन पैसेंजर ट्रेन। अब क्या है, यहां पर प्राइवेटाइजेशन लाया जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन मतलब यहां पर अगर हम देखोगे तो प्राइवेटाइजेशन आता है तो कंपनियों को काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब देखिए, जब IRCTC आया था, ठीक है, IRCTC आया था तो IRCTC को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था और गवर्नमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था, तो गवर्नमेंट ने IRCTC को आगे बढ़ाया था। उसी तरीके से ये जो प्राइवेटाइजेशन ला रहा है, 151 ट्रेन को यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन करेगा अभी। और यहाँ पर देखिए, साफ साफ बता दिया गया है कि इंडियन रेलवे बिंग प्रोसेस फॉर एंट्री ऑफ प्राइवेट इन, मतलब प्राइवेट ट्रेन बनाने के लिए यहाँ पर क्या किया है, एंट्री करने के लिए। अब यहाँ पर अगर एंट्री लेता है तो होता क्या है भाई, यहाँ पर कॉर्पोरेटाइजेशन हो जाएगा, मतलब सब लोग मिलके सही से काम करेंगे और यहाँ पर इफिशेंसी काफ़ी अच्छा होगा। अगर इफिशेंसी ज़्यादा अच्छा होगा तो यहाँ पर गवर्नमेंट को, देखिए यहाँ पर किसको किसको प्रॉफिट होगा, गवर्नमेंट को प्रॉफिट होगा, पब्लिक को प्रॉफिट होगा और जो प्राइवेटाइजेशन, जो प्राइवेट कंपनी है, वो तीनों को प्रॉफिट होगा। अब तीनों को कैसे प्रॉफिट होगा मैं आपको बता देना चाहता हूँ, गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट को पहले से ज़्यादा इफिशेंसी मिलेगा यहाँ रेलवे में, क्योंकि प्राइवेट, जो भी प्राइवेट है वो सही से, आप देख सकते हो गवर्नमेंट स्कूल कैसा होता है और प्राइवेट स्कूल कैसा होता है। अगर रेलवे में यहाँ अगर यह प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो गवर्नमेंट को और ज़्यादा बेनिफिट होने लगेगा, पब्लिक को अच्छा फैसिलिटीज़ मिलना स्टार्ट हो जाएगा और प्राइवेट कंपनी को ऑटोमेटिक जो है प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो क्वेश्चन करेंगे कि अगर ये प्राइवेटाइजेशन हो जाता है रेलवे, भाई अगर रेलवे प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो जो गरीब लोग हैं उनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। मैं उनको बताना चाहता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए ज़्यादातर क्या होता है, देखिए जब IRCTC आया था तो IRCTC ने कई सारे ऐसे फ्रॉड निकाले थे जो मतलब अरबों खरबों का ये कर रहे थे भाई, मतलब वो अपना मार्केटिंग कर रहे थे और किसी को पता भी नहीं था, यहाँ तक कि गवर्नमेंट को भी नहीं पता था। तो देखिए, जब IRCTC आया तो ऐसे फ्रॉड लोगों को पकड़ा और मतलब अच्छा से अच्छा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा। और यहां पर देखिए 151 ट्रेन को, देखिए 151 ट्रेन को क्या करेगा, प्राइवेट ट्रेन बनाएगा। अब जो भी यहाँ पर खरीदेगा भाई उनके लिए तो बहुत अच्छी खबर है। और जो छोटे छोटे कंपनी है, मान लीजिए कि जो रेलवे के लिए काम करती है, छोटे छोटे जो कंपनी है जिसका शेयर का प्राइस लगभग 20 रुपीज़ के आसपास है, 30-50 रुपीज़ के आसपास है, ये सारे कंपनी में आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर प्राइवेटाइजेशन आया तो ये सारे स्टॉक्स में आपको काफ़ी अच्छा तेज़ी देखने को मिलेगा, क्योंकि सबको अच्छी तरीके से यहाँ पर प्रॉफिट होगा। और यहाँ पर देख लीजिए, हमारी जो गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है, उनका ये आ चुका है, न्यूज़ आ चुका है। और रेल विकास निगम लिमिटेड में यहाँ पर देखिए लगभग जो है 10% का अपर सर्किट आपको देखने को मिला है, मतलब काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है यहाँ पर। और यहाँ पर देख लीजिए भाई, रेलवे को ओपन किया जा रहा है 350 ट्रेन को, जो है लोकल ट्रेन को मुंबई में ओपन किया जा रहा है, वो भी आज से। तो ये भी रेलवे के लिए एक अच्छी खबर है, अगर देखिए रेलवे चलेगा तो मतलब प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा और जितने भी छोटे छोटे लोग हैं उनको भी परेशानी थोड़ा कम होगा और जितने भी लोग ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं उनको भी समस्या मतलब धीरे धीरे क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी और तो प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व होते हुए नज़र आ जाएगा। अब इसके वजह से हमारे जो रेलवे हैं ये बहुत सारे स्पेशल ट्रेन को लाएंगे, जिससे स्पेशल ट्रेन को, देखिए पहले ऐसे नहीं था लेकिन अभी बहुत ज़्यादा रिफॉर्म किया जा रहा है धीरे धीरे, तो अगर स्पेशल ट्रेन लाता है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए सही रहेगा। और देखिए इतना सारा मतलब प्रॉब्लम था पटरी में, तो बहुत सारे छोटे छोटे जो कंपनी है जो काम करते, जो पटरी के लिए काम करती है, टावर के लिए काम करती है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए काम करते, बहुत सारे इसमें डिफरेंट चीज़ है जो सही से मुझे नहीं पता क्योंकि वो उनका अलग बिजनेस है, तो उनके में भी जो छोटे छोटे कंपनी उनमें भी आपको ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगा। और देखिए जो मैंने कुछ स्टॉक चूज़ किए थे अपने तरफ से, देखिए मॉर्निंग में मैंने जो है वीडियो बना के बता दिया था कौन सा स्टॉक, अभी देखिए नीलकास्ट, इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत इफेक्ट तो ज़रूर पड़ेगा, पता है थोड़ा साइड बिजनेस है, लेकिन फिर भी ये स्टॉक के ऊपर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, थोड़ा अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। आज के डेट में भी यहाँ पर देख लीजिए 10% की तेज़ी देखी जा रही है, सुबह में मैंने ये वीडियो में बताया था लास्ट वाले वीडियो में।
और उसके बाद RVNL को फोकस करेंगे, रेल विकास निगम लिमिटेड को फोकस करेंगे। और ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा मतलब चल भी चुका है, 10 रुपीज़ का लोअर सर्किट मारा था 10 के बाद, आज की डेट में भाई 20 है। मानता हूँ भाई 4 या 5 मंथ लगा, जो भी है 3 या 4 मंथ लगा, लेकिन मैं बोलूँगा जिन्होंने वेट किया उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला और लॉस भी ज़्यादा नहीं हुआ। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं बोलते हैं भाई रेल विकास निगम लिमिटेड केवल 18 रुपीज़ के आसपास ये ऊपर नीचे होते रहता है, तो मैं बोलूँगा देखिए आप जैसे सोच रहे हो डेली कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ बढ़ना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। अगर डेली बढ़ेगा तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखिए अगर हम किसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको 7% मिलता है, हम 1 साल रुकने के लिए तैयार हैं ओनली 7% के लिए। तो यहाँ पर अगर आपको मान लीजिए आपका पैसा डबल कर दिया जा रहा है 4 मंथ में 5 मंथ में, तो यहाँ पर भी आपको कम से कम 4 या 5 मंथ एटलीस्ट आपको रुकना चाहिए। लेकिन 5 मंथ में सोच रहे हैं ना मूवमेंट जो होगा थोड़ा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ पेशेंस रखोगे ना तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए प्लीज़। और ये रहा एक स्टॉक सिमको, ठीक है। ज़्यादातर हम RVNL पे इसलिए फोकस करेंगे क्योंकि रेलवे में थोड़ा बहुत वो अच्छा है और ज़्यादा से ज़्यादा वो काम कर रहा है। तो भाई जितना ज़्यादा अभी देखिए चाइना से जो चाइना से ये होने वाला था, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था, इंडिया ने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया जो रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट था। अब जब वहाँ कैंसिल कर दिया तो यहाँ पर ही तो काम करेगा ना। अब जब यहाँ पर काम करेंगे इंडियन लोगों को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा, कंपनी को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, सपोर्ट देना पड़ेगा। तो वही गवर्नमेंट यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। अब देखिए BEML, शायद मुझे लगता है BEML जो है ये भी रेलवे के लिए काम करता है, मेरे हिसाब से ये रेलवे के लिए ये बनाता है, पार्ट्स बनाता है। तो मुझे लगता है BEML पे भी फोकस करना चाहिए। और लास्ट में एक मैंने आपको ISCTC तो है ही, ठीक है। तो ये छोटे वाले स्टॉक पे आप कुछ छोटे वाले स्टॉक पे हैं, कुछ बड़े वाले स्टॉक पे हैं, तो आपकी मर्जी, ठीक है। ये लास्ट में एक ISCTC, टोटल 5 स्टॉक शायद मैंने बता दिया, कुछ बचा होगा तो कॉमेंट कर दीजिएगा मैं बता दूंगा। और देखिए कुछ छोटे वाले स्टॉक हैं, कुछ बड़े वाले स्टॉक हैं, कुछ 20 रुपीज़ है, कुछ 50 रुपीज़ है, कुछ जो IRCTC से 1000 के आसपास है, और VML जो मैंने बताया देखिए 600-700 रुपीज़ के आसपास है। तो ऐसे स्टॉक पे फोकस कीजिए और देखिए जैसे जैसे आपको और भी न्यूज़ आते हुए नज़र आएगा और भी आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। और देखिए ये स्टॉक तो काफ़ी अच्छा है, इसके बारे में मैंने लगभग जो है 550 रुपीज़ से बताया था, अभी तो 640 रुपीज़ के आसपास है। लेकिन दो महीने से ये स्टॉक मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिया है, लेकिन दिया है, ठीक है ना। मैं आपको बोलूँगा अगर 20% या 15% का प्रॉफिट दिया, लेकिन पॉजिटिव रिटर्न दिया है आपको, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो अच्छा लगा मैंने आपको बता दिया, हो सकता है कि मुझसे भी कोई गलती हो गई है, कि देखिए कुछ किसी से भी गलती हो सकती है भाई, मैं कोई बहुत बड़ा ये नहीं हूँ जो मैं आपको हर एक चीज़ सही बताऊंगा, कुछ गलती मुझसे भी हो जाती है, ठीक है। तो वो भी देख सकते हो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर सकते हो। अब आते हैं मुद्दे की बात पे, अगर आप शेयर मार्केट में नए हो या डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आप अपना डीमैट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग में खोल सकते हो, बिल्कुल फ्री में आपका डीमैट अकाउंट ओपन किया जाएगा, बिल्कुल फ्री में। ऊपर से डिलीवरी चार्जेस पे फ्री है, केवल आपको यहाँ पर 20 रुपीज़ इंट्राडे में लगता है जो हर जगह लगता है। और एंजल ब्रोकिंग के ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, बताया जाएगा कि आपको कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा स्टॉक नहीं खरीदना है। तो इससे आपको लगेगा कि हाँ भाई मेरे पास बहुत सारे स्टॉक रहते हैं शेयर मार्केट में, तो ये खरीदना है, वो खरीदना है, कौन सा खरीदना है। क्योंकि जो नए लोग होते हैं ना उनको पता नहीं रहता कौन सा स्टॉक में निवेश करूं, और वो लॉस मेकिंग कंपनी में पैसा लगा देते हैं, उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो यहां पर आपको बताया जाएगा भाई ये स्टॉक खरीदना है, ये स्टॉक खरीदना है, कौन सा स्टॉक खरीदना है, जिससे आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट और नॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बहुत सारे जगह आपको 500-300 रुपीज़ लगता है डीमेट अकाउंट ओपन करने में, लेकिन यहाँ आपको फ्री में ही ओपन किया जा रहा है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और एंजल वाला खुद आपको एंजल ब्रोकिंग के ग्रुप में ऐड करेगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप अपना डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हो।